बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र नशे का गढ़ बनता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी और इंदौरा रेंज के डीएसपी अशोक कुमार का हालिया बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है। डीएसपी अशोक रतन की माने तो 3 महीना पहले जिस गोविंदा नाम के शख्स के घर पर रेड हुई थी और वहां से 15.5 लाख रुपए की नगद राशि समेत लाखों रुपए की हीरोइन बरामद हुई थी। आज खुफिया सूचना के तहत उसी के अन्य 6 पार्टनर के घर भी रेड की गई है, जहां से 3 XUV 500 और 2 कमांडो बाइकें भी बरामद की गई हैं, जबकि उनकी जो भी लैंड डील्स हुई हैं, उनके दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नूरपुर डमटाल और इंदौरा के SHO समेत डमटाल की पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर जाकर रेड की गई थी। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर चश्मदीद गवाह के इंदौरा के SDM की भी मदद ली गई थी और उन्हीं की अगुवाई में आज इस रेड को अंजाम दिया गया है। 3 महीने पहले एक FIR रजिस्टर हुई थी, इसमें 183/20 और 185/20 धर्मेंद्र और गोविंदा के अगेंस्ट, जिसमें 259 और 302 ग्राम हीरोइन प्राप्त हुई थी और 14.5 लाख कैश मिला था। इसी के तहकीकात के दौरान कुछ लिंक हमें बीच में आए, जिसमें हमें ये पता चला कि इसके और भी एसोसिएट्स, पार्टनर्स और रिलेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए हम लोगों ने छानबीन करने के लिए सर्च वारंट लिया कोर्ट से। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हम लोगों ने आज रेड प्लान करी, 6 जगह पे 4 लोगों के यहाँ पे रेड प्लान करी गई थी, साइमल्टेनियस रेड सुबह। तो दौरान रेड हम लोगों को इनकी जो लग्जूरियस व्हीकल्स हैं, 3 इनकी XUV 500, 2 इनकी कमांडो बाइक, 2 स्कूटी और इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो लैंड डीड्स और ये बैंक की पासबुक्स और बैंक के ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स, जो टोटल मिला के इनका सोर्स ऑफ इनकम इसमें हमें असर्टेन करना पड़ेगा कि इनके पास इतने कम टाइम में, पिछले 6 साल में इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे एक्युमुलेट हुई। तो इसकी छानबीन के लिए हम लोगों ने आज ये रेड प्लान हुई थी और जिसको एग्जीक्यूट करा जा चुका। उज्ज्वल हिमाचल के इंदौरा से दिनेश।